गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और आज न्यू ईयर है, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइज। मैं सोच रही हूँ मैं जाके जगाती हूँ, न्यू ईयर विश करते हैं सबको। सबसे पहले ये देखो, ये प्रेरित पापा और वो मम्मी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर प्रेरित, मम्मी हैप्पी न्यू ईयर, मेरी बच्ची बहुत ज्यादा बड़ी अफसर बने, बहुत पढ़ाई करे, मम्मी की बात माने, मम्मी को गुस्सा ना दिलाए और काम ना बिगाड़े। ओके बस प्रेरित, थैंक यू पापा। प्रेरित कैसे, ये तो पागल है, ये तो पागल है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। दोस्तों आज हैप्पी न्यू ईयर, तो हमारी तरफ से भी आपको विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरी बेटी ने तो आपको सुबह ही विश कर दिया था जब हम सो के भी नहीं उठे थे। तो आज नए साल पर हम जा रहे हैं दवा लेने। मैंने आपको बताया था कि पथरी है और उसकी दवा बैद से लेनी है। तो एक गाँव है, उस गाँव में हमारे एक मिलने वाले हैं, उनका फ़ोन आ गया कि आज मैं घर पर ही हूँ, आप आना चाहो तो आ जाओ। तो मैंने कहा चलो अच्छा मौका है, तो बस आज एक गांव में जाएंगे, बैजी से दवा लाएंगे ताकि दर्द से जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए। बाकी हमारे घर में सब नहा लिए हैं, ये भी नहा लिए, मैडम नहा के पूजा कर रही हैं, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं भगवान जी के दूर से ही। तो ये पढ़ने बैठ गया, मम्मी के संग पूजा कर ले भाई। अच्छा कर लिए, हाथ जोड़ लिए। चाय पी लें फिर निकलते हैं। तो हम तैयार हैं अब निकलने के लिए, बाइक निकालें। तो हम उस गांव में पहुंच गए हैं जहां से हमें दवाई लेनी है, हम भी यहां पहली बार आए हैं। तो अभी रास्ता पूछते हुए उससे पहुँचेंगे, बोर्ड वही था जो उन्होंने बताया था, उसी बोर्ड के हिसाब से हम गांव में आए हैं। तो यहां हम जो दवा लेने आए थे वो दवा हमें मिल गई है। करीब आधा घंटे वैद्य जी से बात हुई, उन्होंने सारी बात बताई क्या परहेज है, कैसे दवा खानी है। और उन्होंने कहा है कि ये 3 दिन दवा खाने के बाद 2 दिन रेस्ट करके फिर दवा लेने आना है। तो हम आ गए अब अनुपसर रोड पर, अनुपसर रोड का ये हाईवे है और अब जा रहे हैं अलीगढ़ से। हम घर पहुंच गए हैं भाई, दवाई ले आए और मैडम किचन में तैयारी कर रही हैं बच्चों के लिए आलू की टिक्के की। तो ये बनी हुई है आधी। गुड न्यू ईयर घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जी आज फिर मंगा लिया है सिटी मॉल से कुछ, कल वाला मंगाया। अच्छा कल वाला ऑर्डर है, तो जीरा है 100 ग्राम के साथ, 100 ग्राम फ्री था। अच्छा ये कश्मीरी लाल मिर्च MDS के बुलाते हैं, तो ये 45 रुपए में मिल गया मैंने 200 ग्राम जीरा। 45 रुपए में 200 ग्राम और MDS के मसाले पर, ये 85 की है, ये 73 की। तो दोस्तों अब हम नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह भी नहा लेते तो अच्छा रहता, लेकिन वहाँ हर मर्ज के मरीज आते हैं तो इसलिए लौट के नहाने में ही अच्छा था, तो इसलिए अभी ना आए। अब हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता क्या, तो भूख का टाइम है, भूख लग रही है बहुत ही, और 3 बज रहे हैं। मैडम हमारे लिए खाना बना रही हैं। तोता उड़ मैना उड़ खेलते हैं ना। तो ये क्या कर रही हो, सोऊंगी। क्या सोऊंगी, मैं भी आ रही हूँ, तो हटो। नहीं मैं आ रही हूँ, तो नहीं आ रही हूँ ना मैं, साइड लेटना चाहिए था, उस साइड रह जाइए। हाँ तो इधर आ जाओ, ये तो लेडीज़ मैंने दिए थे बच्चों को, खा लिया मम्मी का प्रसाद। नहीं है क्या, लेडीज़ है नहीं है। इनको जाना है ट्यूशन और इनके जूते सूखे नहीं है ऊपर, तो ये जूतों का इंतजाम कर रहा है। ये पापा के हैं, वो मेरे हैं, कि किसी के भी पहन जाऊं पर मैं चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा। और देखो हमारे पापा हलवा गर्म कर रहे हैं गाजर का। दोस्तों शाम के 5:15 बजे हैं, लेकिन ठंड ऐसी हो रही है जैसे पता नहीं कितनी ज्यादा है। तो बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अभी हमारे हेड सर की कॉल आई है, उन्हें कुछ काम है, उन्होंने मुझे मंदिर बुलाया है, उसी माता रानी के मंदिर पे जहाँ हम कल गए थे। तो फिलहाल मुझे निकलना पड़ा, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ और अचल पर एक कुछ काम भी है, तो वो काम करते हुए आएंगे। बच्चे आज घर पे ही रहेंगे। एक्चुअली हमारा प्लान था आज बाहर जाने का, मंदिर जाने का, हनुमान मंदिर जाने का,
लेकिन जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं आज वो पूरी फैमिली बाहर गई है तो अब घर पे कोई नहीं है, तो इसलिए अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तेरा मुंह भी फुला हुआ है क्योंकि मम्मी ने डांट लगाई, अब तो पूरी साल डांट खाएगी। नहीं आई कुछ भी, रुका रुका जा रहा है, इसके मुंह में पानी डाल। मैं न्यू ईयर की बात कर रही हूँ। हाँ न्यू ईयर कैसे चाहिए फिर तुम्हें बताओ। रुका जा रहा है, कुछ किया ही नहीं, क्या करना बताओ। अब क्या कर सकते हैं, क्यों बहुत कुछ कर सकते हैं बताओ। नहीं हम जा रहे हैं भाई, बाय बाय। हम आ गए हैं हनुमान मंदिर, गिलेराज मंदिर, और यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है ये। नई साल पे यहाँ दर्शन कर लें। जय बजरंग बली, आओ जय गिलेराज बाबा की जय। और हमारी गाड़ी ये रही, कर बेटा आधी किलो कर दे। यहाँ साइकिल कैसे आ गई तेरी, सिलेंडर आ गया, तुम्हारी मूंगफली आ गई, पिक्चर चलाना। ये कौन सी विटामिन पिक्चर है ऐड आ रहा है विटामिन सी वगैरह, कौन सी पिक्चर है। पहले खा पी लो ना, खाना पीना, हाँ है ना, तब उसके बाद फ्री होके बैठेंगे। ये लीजिए प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद है गिलेराज मंदिर का, ठीक है। मंदिर ये लीजिए, क्या लाया, किसके लिए है ये प्रसाद का लड्डू। तो ये बता किस लिए है, कि मेरा 95% वर्क हो गया दिसंबर के लिंक का, और एक दिन में। हाँ वो भी एक दिन में, 8 चैप्टर मैंने लिखे हैं। 8 चैप्टर एक दिन में है, एक दिन में 8 चैप्टर लगे थे। वाह वाह प्रेत वाह, नहीं लड्डू पकड़ पकड़ लड्डू पहले, शाबाश शाबाश, अब तो लड्डू दे। हाँ अब खाऊंगा उसको तो प्रसाद। मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। घूम रहे हैं। अरे जय बजरंगबली।